चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? एक बार जूम वाले कंफर्म कर दीजिए। यस, जूम पीपल काइंडली कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल। यस सर। यस सर। लेट्स स्टार्ट। मैंने जस्ट माइक भी लगाया। चलो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया सब लोगों ने। इन अ 100 मीटर रेस ए बी बी बाय 10 मीटर, ठीक है। Then in a 900 meter race, how much behind from starting point should A start such that it results in a dead heat race? अब देखो, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। If you look at the questions, मान लो ये 100 meter race में कौन A B को हराता है 10 meter से, तो कहना है से speed of A upon speed of B equals to distance of A upon distance of B. Equals to क्या 100 by 90, that is nothing but 10 by 9. ये इनका रेशो है। कल मैंने बताया था क्यों ऐसे रेशो निकाल सकते हैं नैतिक डायरेक्टली, बिकॉज टाइम इज कॉन्स्टेंट रेस में। अब जब टाइम कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तब भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, बट एनीवेज ये 10:9। तो एनीवेज मूविंग अहेड, देन इन अ 900 मीटर रेस, अब क्या हो रहा है, अब तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो स्लोअर है उसको हम लोग बोलते थे तुम आगे से भागो। अब हम आगे से नहीं भागने के लिए बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बी को बोल रहे हैं तुम पीछे से भागो, बी को बोल रहे हैं तुम पीछे से भागो। आंसर क्या आया था तुम लोगों का, 90। अच्छा ठीक है, गलत है आंसर 90, समझ गया, ठीक है। अब देख लो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है फिनिशिंग पॉइंट, बराबर है। हाँ, नाउ ये कितने मीटर की रेस है, 900 मीटर की रेस है। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन भाग रहा है, बी, बराबर है। ए कहां से भाग रहा है, कहीं पीछे से भाग रहा है। ए कहीं से पीछे, कहां से भाग रहा है, कहीं पीछे से भाग रहा है। मुझे नहीं पता कहां से भाग रहा है वो, क्लियर है, कोई डाउट, समझ गया। बी ने क्या बोला कि मैं हमेशा आगे से क्यों भागू, एक काम करो मैं आलसी हूं तुम पीछे से भागो, ठीक है। सो ए क्या कर रहा है, पीछे से भाग रहा है, मुझे नहीं पता कितने से पीछे से भाग रहा है, सो दैट इज नथिंग बट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर फिर से हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 10 by 9। ये कहां से पता चला था हम लोगों को, यहां से इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ बी कितना कवर कर रहा है, 900। और याद रखो डेड हीट रेस है, कौन सी हीट है, डेड हीट रेस है। डेड हीट रेस मतलब क्या, दोनों सेम जगह पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बी कितना कवर कर रहा है, 900। अगर बी 900 कवर कर रहा है सर, तो मुझे बताओ ए कितना कवर करेगा, 1000। तो अगर ए 1000 कवर करेगा तो यहाँ का तो डिस्टेंस उसका कितना है, 900, तो पीछे से कितना चालू करेगा वो, 100 मीटर, क्लियर है। पीछे से कितना स्टार्ट करेगा वो, 100 मीटर, समझ गया क्वेश्चन। अब तक हम लोग स्लोअर वाले को आगे से भगा रहे थे, अभी हम लोगों ने क्या किया, फास्टर वाले को स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे से भगाया है, क्लियर है, कोई डाउट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट ऑन द जूम। अभिषेक, दर्शन, कृष्णा, मयूर, नीनाथ, प्रथमेश, श्रुति, श्वेता एंड वैष्णवी, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। Now a very complex question. बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट ये सॉल्व करने के लिए। प्लीज स्टार्ट। लेट्स सी, अब ध्यान देते आगे, ठीक है। लेट्स सी, अब मैं जानबूझ के क्या करता हूँ ना, हमेशा कि एक ही क्वेश्चन पे सब कुछ मैं करवा लेता हूँ सारे टाइप्स पे, ठीक है। इतना ही सेंटेंस ही हमारा हर जगह पे वही है, तो मैं उसी पे हमेशा करवा लेता हूँ सारे क्वेश्चंस, आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी बेसिकली अगेन इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है, एस ऑफ ए अपॉन एस ऑफ बी इक्वल्स टू 10 by 9, क्योंकि इन 100 मीटर रेस कहां से पता चला, ये 100 by 9, ये तो पता चला। नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, इन अ 460 मीटर रेस, इन अ 460 मीटर रेस A gives B a head start of 10 meter.
भाई तुम 10 मीटर आगे से भागो, ठीक है। एक्चुअल में उसको हम लोग हेड स्टार्ट ऑफ अनदर मीटर भी बोल सकते हैं, बट मान लो इसको अगर ऐसा लैंग्वेज नहीं मानना है तो ऐसा भी मान के चलते सकते हो कि ए सॉरी बी स्टार्ट 10 मीटर अहेड ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। बी स्टार्ट 10 मीटर, अगर हेड स्टार्ट नहीं बोलना है तो उसको, बट देयर इज जनरली नो क्वेश्चंस इन द अदर बुक्स, बट मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है। एंड ऑल्सो ए स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट, ए स्टार्ट फ्रॉम बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 450, बराबर है। और ए कहां से स्टार्ट कर रहा है, कहीं पीछे से स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड, ए स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड। यहां तक कोई डाउट है, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, ए पीछे से कहीं स्टार्ट कर रहा है, सर बढ़िया है, ओके okay, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें फिर, हाउ मच बिहाइंड शुड ए स्टार्ट, सर हाउ मच बिहाइंड शुड ए स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट it results in a dead heat race, so that it results in a dead heat race. Dead heat race का मतलब क्या है, दोनों भी साथ में खत्म कर। So let's see, मान लेते हैं ये x distance है, total को ही x मान लेता हूँ, ठीक है। So अब basically आप जैसे जानते हो speed a upon speed b equals to 10 by 9 equals to distance a upon distance b। ये 10 by 9 कहाँ से आ रहा है थर्मा, पहले सेंटेंस से, इन 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10। तो लेट्स सी, अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, मुझे बताओ अर्जुन बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 450, तो बी का 450 लिख देता हूं। ए कितना कवर करेगा फिर, एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन 450 इक्वल्स टू 10 बाय 9, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 500, that's correct, बिल्कुल सही 500। बट यहां से अब जैसे कि आप जानते हो कि ये पूरा रेस फोर्स कितने का है, 460, लेकिन ए कितना कवर कर रहा है, 500, मतलब उसने 40 मीटर पीछे से स्टार्ट किया होगा, समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट, समझ गया, आंसर क्या आएगा, 40, कोई डाउट, शैल वी मूव अहेड, आकांक्षा, साहिल, नैतिक, अथर्व, नारायण, ठीक है, चलो सबको क्लियर है, सब इधर देख लेते हैं जूम पे, अभिषेक, दर्शन, कृष्णा, मयूर, प्रथमेश, श्रुति, श्वेता, एंड वैष्णवी, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगेन कहानी में ट्विस्ट, ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट आ रहा है, सॉल्व कीजिए, चलिए लेट्स सी, अगेन same in a 100 meter race, a beats b by 10 meter, okay, let's see, speed of a upon speed of b equals to distance of a upon distance of b equals to 10 by 9, 10 by 9 kahan se hai, kyunki ye 100 cover karta hai aur ye 90 cover karta hai, to is tarah, then in a 460 meter race, theek hai, 460 meter race, dekho phir se 460 meter race, A gives B a head start of 10 meter. Again, जैसे मैंने कहा कि इसको दूसरे भाषा में वो बोल सकता है कि starting point से 10 meter आगे भाग सकता है. Now this is a debatable, उसको head start बोलना है या starting point से आगे बोलना है, क्योंकि actual head start उसको बड़ा मिल रहा है, ठीक है? But anyways, कोई दिक्कत नहीं है. So let's see. So this is ये B को कितना cover कर रहा है उसको? 450 meters. And also A starts from behind the starting point. A starts from behind the starting point. So, मान लो A यहाँ से कर रहा है. How much behind should A start from the starting point so that B beats A by 20 meters? ध्यान दीजिएगा. B beats A by 20 meters. Let's see आप सब लोगों ने solve सही किया है या नहीं किया. जैसे कि आप जानते हो, देखो दोनों साथ में पहुंच रहे हैं क्या फिनिशिंग पॉइंट पे, नहीं, B यहाँ पे पहुंच रहा है, तो B कितना कवर कर रहा है obviously? 450. Similarly, अगर मैं देखू A कहां पे पहुंच रहा है, A यहां कहीं पहुंच रहा है, कितना मीटर है दूर, ये 20 मीटर, तो ये 20 मीटर दूर है, A यहां पे ही पहुंच रहा है, फिर से हम लोग आ जाते हैं, DB upon DA equals to 10 by, sorry, उल्टा करना पड़ेगा, 9 by 10, क्योंकि उल्टा लिखा है,
दैट इज नथिंग बट ये तो 450 कवर कर रहा है, ये कितना कवर करना चाहिए फिर 500, कोई दिक्कत, ये 500 कवर करना चाहिए। 500 कहां से सर? 500 यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 500 मीटर, कोई डाउट? समझ गए? अब 500 मीटर यहां से लेके यहां तक, तो मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है सर? ये वाला डिस्टेंस कितना है? 440 मीटर। कैसे 440 मीटर? क्योंकि 20 मीटर रह गया, तो ये कितना है? 440 मीटर। 440 मीटर है, लेकिन बंदे ने तो 500 मीटर कवर किया है, तो ये कितना होगा? 60 मीटर। सो हाउ मच बी आई एंड शुड डे स्टार्ट, तो आंसर वुड बी 60 मीटर। समझ गए? 500 ये यहां से db / d है, तो ये तो b तो 450 कवर कर रहा है, ठीक है? तो d डिस्टेंस ऑफ a कितना कवर किया होगा उतने टाइम में? 500 मीटर, ये 9/10 वाले रेशियो से, ठीक है? मूविंग अहेड, नाउ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे इन्वॉल्वमेंट आ गया टाइम का, ठीक है? तो अगर आपका सही में लॉजिक इंप्रूव हुआ है तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी आप कैसे सॉल्व करते हो, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। प्लीज सॉल्व कीजिए। लेट्स सी, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं सर, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, ठीक है? लेट्स सी, फिर क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए तो ये आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है? लेट्स सी, अब इन अ 100 मीटर रेस, इन अ 100 मीटर ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स, देन द वर्ड इज और 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड। तो यहां पे तो ए पहुंच गया, यहां पे तो ए पहुंच गया, दोनों ने शुरुआत की थी यहां से, ए बी ने शुरुआत की थी, ए यहां पे पहुंचा, और जैसे ही ए यहां पे पहुंचता है वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखा तो उसने बी को पाया कहां पे? 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे पाया। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट? दूसरी एक बात है जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ए को x मीटर लगे, x सेकंड्स लगे हैं, तो b को कितने लगे हैं? x प्लस 10 सेकंड्स। b को कितने लगे हैं? x प्लस 10 सेकंड। मतलब इसको कहने का तात्पर्य क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही a ने पीछे देखा, जैसे ही a ने मुड़ के पीछे देखा किसके पास? b के पास, तो उसने पाया कि मैं तो पहुंच चुका हूं और b भाग ही रहा है, और b कब पहुंचा? फिनिशिंग लाइन तक, मेरे 10 सेकंड के बाद, मेरे 10 सेकंड के बाद बी पहुंचा फिनिशिंग लाइन पे। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? उससे चलो यहां तक आपको क्वेश्चन अगर समझ गया है तो मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी कर लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ ए। चलो यहां तक तो हम लोग आपको सिखा चुका हूं मैं, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आता है? डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी, रेशियो क्या आ रहा है अभी बताओ? 5/4। ये यहां तक सब पहुंच गए थे, यहां तक सब पहुंच गए थे, ठीक है, बढ़िया। जूम पे सब लोग पहुंच गए थे यहां तक? जूम वाले सब लोग यहां तक पहुंच गए थे? प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब जैसे कि यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब बी ए ने पीछे मुड़ के देखा बी को, और बी था 20 मीटर पीछे, और ए के 10 सेकेंड बाद बी पहुंचा यहां पे, ए के 10 सेकेंड बाद कौन पहुंचा? बी पहुंचा। तो इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ए को बी को यहां से यहां 10 सेकंड लगे होंगे, आया ना? बी को यहां से यहां 10 सेकंड लगे होंगे, आया ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। 20 मीटर पीछे था, 10 सेकंड लगे उसको, तो 20 मीटर को कितने सेकंड लगे होंगे? 10 सेकंड। तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ बी कितना आएगा यहां से? 20/10, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं गारंटी दे रहा हूं जितने लोगों ने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया वो गलत करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ड्रॉ करते थे तो ही ये लॉजिक क्लिक होता था। हाँ, बी का तो सही है तुम्हारा, ठीक है? अगर बी बोल दिया तो तुमको ये आ नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां से तो हम लोग पता ही है स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, बराबर है? तुमने बी का सही बोला था बट एक मिस कर दिया, बराबर है?
स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू कितना 5/4। तो यहाँ पे आपको इसका मिल चुका है, किसका, बी का, बी का कितना है, ठीक है 5/4 इक्वल्स टू लेट्स से इसका है y by 2, तो y कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट, समझ गया कंफर्म? हाँ या ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। और अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है चेक कर लो, क्या कह रहा था मैं, a को कितना समय लगेगा 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 40 सेकंड। b को कितने लगेंगे 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 50 सेकंड। बराबर 10 सेकंड का गैप है, क्लियर है, समझ गए कंफर्म? हाँ या ना, प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन अगर कैट में आता है तो बिना ऑप्शन का आता है, कैट में कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन के भी आता है, पता होगा आपको, ठीक है, यस बिना ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ना, फिर तो सॉल्व करने की जरूरत ही है, ठीक है, डायरेक्टली चेक कर लोगे आप लोग, समझ गए, ठीक है, मूविंग अहेड, सॉल्व दिस इजी क्वेश्चन, अति इसे इजी क्वेश्चन जिसको मैं बोलूंगा, प्लीज सॉल्व कीजिए। चलो लेट्स सी, ठीक है, मैं एक तो बेसिक से जाऊंगा और एक तो लॉजिक से जाऊंगा, लेट्स सी बेसिक और लॉजिक दोनों देख लेते हैं। इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स और 10 सेकंड्स, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एस ए अपॉन एस बी इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी बी Equals to 5/4, ये तो आपको पता चल गया है। सेकेंडली आपको और दूसरी चीज क्या पता चली है, पिछले क्वेश्चन से ही, कि स्पीड ऑफ ए कितनी है 2.5 और इसका कितना है 2, कोई डाउट, समझ गया कंफर्म? हाँ यार, सो सिंपल लॉजिक है, 600 मीटर्स को ए को कितना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा 2.5, ए को टाइम ऑफ ए 600 अपॉन 2.5 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आ जाएगा, ये 240 सेकंड्स, दैट्स करेक्ट 240 सेकंड्स, है ना, हां बराबर। बी को टाइम ऑफ बी अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा 600 अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट 300 सेकंड, सो ए बीट्स बी बाय हाउ मेनी सेकंड्स, कोई डाउट, समझ। दूसरा लॉजिक, 100 मीटर रेस में 10 सेकंड से हराया तो 600 मीटर रेस में कितने से हराएगा, 60 सेकंड, क्लियर है? अब सर डायरेक्टली ऐसा देगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं, बिकॉज इसमें एक अजम्पशन है, इसमें क्या है, एक अजम्पशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डेटा नहीं दे रहा, ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, समझने की कोशिश करना, अगर मैं ये डेटा नहीं दे रहा ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, सिर्फ ये दे रहा हूँ ए बीट बी बाय 10 सेकंड, सो इन 600 मीटर्स ए विल बीट बी बाय 10 सेकंड्स, आंसर इज 60 सेकंड्स, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इसमें एक अजम्पशन क्या है कि आपका जो रेस है जनाब, आपका जो रेस है वो 60 सेकंड्स के ऊपर चलना चाहिए, बराबर है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक पहुंच गया है, एक बंदा पहुंच गया है, दूसरे ने शुरुआत ही नहीं की, तो एग्जामिनर जनरली ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन अवॉइड करता है बनाना, ठीक है, सो यहाँ तो वो एक नोट दे देगा या कुछ बोलेगा, बट ऐसे क्वेश्चन कोई बनाता नहीं है, ये हम लोग ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं अपने, ठीक है, तो मूविंग है, लेट्स सी दिस। अब हेड स्टार्ट दे रहे थे हम लोग सब लोगों को, बराबर है, वी वर गिविंग अ हेड स्टार्ट, हाँ यार, वी वर गिविंग अ हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट तो दे रहे थे, अब हेड स्टार्ट हम लोग पहले डिस्टेंस का दे रहे थे, अब हेड स्टार्ट किसका दे रहे हैं हम लोग, टाइम का, भाई तुम पहले बात डिस्टेंस की हेड स्टार्ट की बात नहीं कर रही है, इसके हेड स्टार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग टाइम की, सॉल्व के लिए लेट्स सी देख लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 सेकंड्स और 20 मीटर्स, सी अब बार बार हम लोग स्पीड नहीं निकालेंगे, अभी हमें पता है इसका क्या है, हमें इसका पता है क्या कि इसका 2.5 है और 2 मीटर पर सेकंड,
वैसे इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत होती है या नहीं समझ लेते हैं, ठीक है लड़की। अब देखो जैसे ही उसने बोला बाय 10 सेकंड्स, सिर्फ इतना बोला बाय 10 सेकंड्स, तो आपका स्पीड निकलेगा क्या? ए बीट बी बाय 10 सेकंड्स, तब आप स्पीड निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि लॉजिक क्या बताया था मैंने, ये यहां से यहां ये 20 मीटर है तो इसको 10 सेकंड लग रहे हैं तभी जाके आप स्पीड, तो मैं अगर ये 20 मीटर देता ही नहीं था तो आप 10 सेकंड्स निकाल ही नहीं पाते। क्लियर है डाउट? समझ गया कंफर्म? टिकट स्पीड नहीं निकाल पाते। बट मान लेते हैं अब डिस्टेंस भी दिया है और टाइम भी दिया है कि कितने से हरा रहा है, ठीक है, तो अब मुझे पता है कि कितने सेकंड से हरा रहा है या कितने डिस्टेंस से हरा रहा है, तो मुझे स्पीड तो पता चल जाएगा, मैं निकालूंगा नहीं हर बार, स्पीड पता चल जाएगा लेकिन निकालूंगा नहीं हर बार। इन 100 मीटर रेस what head start should A give to B so that it results in a dead heat race, मुझे बताओ 100 मीटर की रेस में कितने से हराता है? 10 सेकंड। तो 1000 मीटर की रेस में कितने से हराएगा? 100 सेकंड। तो हमें उसको हराना है क्या? नहीं, हमें उसके साथ पहुंचना है, हमें उसके साथ पहुंचना है, तो हम क्या बोलेंगे? जनाब तुम आगे 100 सेकंड पहले भागो, जनाब तुम 100 सेकंड पहले भागो, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? जनाब तुम 100 सेकंड पहले भाग लो, डेड हीट रेस अपना हो जाएगा। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? और बाय बेसिक तो आप जानते हो कि कैसा करना है। अगेन द अजम्पशन इज, इसमें ये वैलिड है कि दैट द रेस इज मोर देन 100 सेकंड ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि अगर आप देख लोगे हमने एग्जांपल भी लिया है। नया क्वेश्चन, नई दिक्कत, ठीक है, सॉल्व कीजिए। अगेन गोइंग बाय द बेसिक, देखो गोइंग बाय द बेसिक जैसे पता है आपको स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 5/4। पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस सब कुछ निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं हम लोग? 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें जीता किसको रहे हैं हम लोग? ए को जीता रहे हैं, ए को जीता रहे हैं, समझने की बात है। देखो ए को जीता रहे हैं, ठीक है लच्ची, ए को जीता रहे हैं कितने सेकेंड से? 15। अब पहले बेसिक से समझाता हूं, ठीक है लच्ची, ए को कितना समय लगेगा? ए को कितना समय लगेगा बताओ 1000 मीटर की रेस में? 400 सेकेंड, बराबर 400 सेकंड। समझने की बात है, देखो प्लीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 400 सेकंड लगेंगे, तो यहाँ पे तो पहुंच चुका है। अब बी उससे कितने सेकंड पीछे है? बी उससे कितने सेकंड पीछे है बताओ? 50 सेकंड पीछे है, 50 सेकंड पीछे है। तो बी उससे 50 सेकंड पीछे है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा ये डिस्टेंस? अब मैं 100 मीटर, बिल्कुल सही 100 मीटर होगा। क्यों 100 मीटर होगा सर? क्योंकि बी का स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया। तो अब जरा आप मुझे बताओ ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है अब तक? 900 मीटर कवर, इसने किसने डिस्टेंस कवर किया है? 900 मीटर कवर किया है किसने? बी ने। 900 मीटर को उसको कितना टाइम लगता है? 450 लगते हैं, ये 400 सेकंड में पहुंच चुका है। इसे ये कितने देर से, ये कितने देर से रेसिंग कर रहा है? 400 सेकंड से। ये कितने देर से रेसिंग कर रहा है? 450 सेकंड से। इसने पहला कितनी देर शुरू किया होगा? 50 सेकंड से, बराबर है। मतलब फिर से सुन लो, ये अब ये टाइम पे फॉर एग्जांपल ये टाइम पे जब मान लो मैं 10 बजे देख रहा हूँ इसको, 10 बजे देख रहा हूँ, 10 AM में ए कितने सेकंड से रेसिंग में है? 400 सेकंड से रेसिंग में। बी कितनी देर से रेसिंग में है? 450 सेकंड से रेसिंग में है। तो मुझे बताओ बी ने कब शुरुआत किया होगा? 50 सेकंड पहले। यह है आम जिंदगी, ठीक है, यह है आम जिंदगी, मेंटो जिंदगी देख लेते हैं, ठीक है लेट्स सी। मेंटो जिंदगी क्या कहेगी? लेट्स से ए बीट्स बी बाय 50 सेकंड्स। आप जानते हो इन 100 मीटर रेस
in a 100 meter race, A beats B by 10 seconds. So in a 1000 meter race, A beats B by 100 seconds. बराबर है, 1000 वाट की रेस में कितने से आ रहेगा वो 100 सेकंड से, बराबर है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने देर से बोल रहा है वो हराने के लिए, 50 सेकंड से बोल रहा है। तो क्या बोला होगा, एक काम कर 50 सेकंड पहले स्टार्ट, तो तेरे को थोड़ा कम बुरा लगेगा। क्लियर है, समझ गया? तो आंसर क्या आएगा, 50 सेकंड। 400 कैसे निकाला, ठीक है, बिकॉज 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड है ए का, डिस्टेंस कितना है मेरा 1000, तो टाइम ऑफ ए 1000 बाय 2.5, ठीक है, क्लियर है, समझ गए? शुड वी मूव अहेड? अब देखो कहानी में ऑल ट्विस्ट, ठीक है, प्लीज सॉल्व। चलो लेट्स सी, इन अ 100 मीटर रेस A beats B by 10 seconds or 20 meters. In 100 meters, 1000 meters rate, what head start time? मैंने किसमें पूछा है? Time में पूछा है. Should A give B such that B beats A by 70 seconds. याद रखो, slower बंदा जीत रहा है. कौन जीत रहा है? Slower बंदा. Let's see. Basic से करें कि shortcut से करें? Basic से करते हैं. As you all know, speed of A upon speed of B equals to distance of A upon distance of B equals to, आप जानते हो कि 100 upon 80 था, which is nothing but 5 by 4, और हम लोग पिछले क्वेश्चन में स्पीड निकाल चुके थे 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट? समझ गए? Now let's go by basic. ये है मेरी 100 मीटर की, सॉरी 1000 मीटर की मेरी रेस, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 1000 मीटर की मेरी रेस है की। अब कौन जीत रहा है? बी। बी ने कहां से कहां तक शुरुआत की? बी ने पूरी रेस खत्म की, ऐसा नहीं कि वो आगे से भागा, नहीं, उसने पूरा 1000 मीटर कवर किया। क्लियर है, कोई डाउट? अब बॉस मतलब उसको कितना टाइम लगा है बी को, जरा बता सकते हैं आप? बी को कितना टाइम लगाया है? 500 सेकंड। बी को लगा है 500 सेकंड और पहुंच चुका है वो, ठीक है, बी को लगा है 500 सेकंड और वो पहुंच चुका है फिनिशिंग पॉइंट, बी यहां पे पहुंचा। उसने पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने ए को कहां पाया? 70 सेकंड दूर। उसने कितना पाया उसको? 70 सेकेंड्स दूर, ध्यान दीजिएगा। तो 70 सेकेंड्स में ये कितना कवर कर लेता है? ए कितना कवर करेगा? ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? 175 सेकेंड्स, बराबर है, ये कितना होगा? 175 मीटर्स। कोई डाउट? यस और नो प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ गया कंफर्म? अब तो ए ने कितना कवर किया है डिस्टेंस बताओ? A ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 825 मीटर्स कवर किया है, बराबर है? हाँ यार, 825 मीटर्स कवर किया है, तो मुझे बताओ A को कितना टाइम लगा होगा, मतलब यहां से शुरुआत की A ने तो यहां पे पहुंचा है, तो A को कितना टाइम लगा होगा? 825 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट इज नथिंग बट कितना आता है ये? कितना आता है? थ्री थर्टी आएगा। अब मुझे बताओ बी कितनी देर से रेस में है? 500 सेकेंड से। ए कितनी देर से रेस में है? 330 सेकेंड में। याद रखो, बी और ये दोनों सेम टाइम पे, दोनों 10 बजे की बात कर रहे हैं। तो 10 बजे बी को कितने हो रहे हैं? 500 सेकेंड, और ए को कितने हो रहे हैं 10 बजे? 330 सेकेंड। तो बी ने कितने पहले देर शुरू किया है? 170 सेकेंड, 170 सेकेंड। ये था बाय बेसिक, बाय लॉजिक देखें, ठीक है, बाय लॉजिक। लेट्स सी, ए बी को कितनी देर से हराता है?
10 सेकेंड से 100 मीटर की रेस में. तो ए बीट्स बी, ए बीट्स बी इन 1000 मीटर रेस बाय कितने सेकेंड? 100. अब मान लो डेड हिट होने के लिए, डेड हिट होने के लिए समझने की कोशिश करते हैं. डेड हिट मतलब दोनों साथ में पहुंचने के लिए. हम बी को क्या बोलेंगे? तुम 100 सेकेंड पहले भाग लो जनाब, तुम 100 सेकेंड पहले भाग लो. लेकिन बी रोने लगा कि मुझे साथ में नहीं पहुंचना, मुझे जीतना है 70 सेकेंड से. तो हमने क्या बोला, चल एक काम कर और 70 सेकेंड तू पहले भाग, और 70 सेकेंड तू पहले भाग. तो आंसर क्या आ जाएगा? 170. कोई डाउट? दिस इज बाय लॉजिक. क्लियर है? कोई डाउट प्लीज रिस्पॉन्ड. समझ गया कन्फर्म? हाँ या ना? ठीक है, शैल वी मूव अहेड. कैसे बी ए को हरा रहे हैं तो रेस में अब तक कौन है? ए. तो ए 70 सेकेंड में कवर करेगा ना उतना डिस्टेंस. अगर मैं तुम्हें 70 सेकेंड से हरा रहा हूँ, मतलब तुम 70 सेकेंड मतलब क्या कि तुम जितना डिस्टेंस 70 सेकंड में कवर कर पाओगे उतने से हरा रहा हूँ. ठीक है, जो पीछे है उसका मानेंगे. ठीक है, चलो मूविंग है. जस्ट अ सेकंड. अब हमारा डेड हीट रेस, ठीक है, टाइम के थ्रू हेड स्टार्ट, स्टार्टिंग बिहाइंड द फिनिशिंग लाइन, स्टार्टिंग अहेड ऑफ द फिनिशिंग लाइन, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया. जब पार्टिसिपेंट कितने थे हमारे रेस में? अब हमारे रेस में पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 3. ठीक है, तो ये नया टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड टू रेसेस. ठीक है, प्लीज सॉल्व कीजिए. चलो लेट्स सी, देख लेते हैं. इन अ 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 10 मीटर. अब देखो इस रेस में तीन पार्टिसिपेंट्स है, रेस में तीन पार्टिसिपेंट्स है, ए बी सी. ठीक है, तो केस वन क्या बता रहा है हमें? केस वन क्या बता रहा है? ए बीट्स बी बाय 10 मीटर. मतलब देखो ये मेरी 100 मीटर की रेस, ठीक है, ए बीट्स बी बाय 10 मीटर. सो ए जब यहां पे पहुंच रहा है तब बी कहां पे है? यहां पर है. ठीक है, तो ए ने ये है 10 मीटर. तो यहां से पता चलेगा स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी, बिकॉज़ टाइम इज सेम, दैट इज नथिंग बट 10 बाय 9. कोई डाउट? केस नंबर 1. केस नंबर 2 की बात करते हैं. याद रखिए सी भी रेस में है बट कंडीशन सिर्फ किसकी दी है? ए बी सी. केस नंबर 2, केस नंबर क्या कहा है? जब बी जीतता है, जब बी जीतता है. सो लेट्स सी, फॉर एग्जांपल कितना आंसर दिया तुमने था? लेट्स सी, बी यहां पर है और सी कहां पर है? यहां पर. ठीक है, दैट इज नथिंग बट बी ने कितना कवर किया है? 100. और सी ने कितना कवर किया है? ठीक है, तो बेसिकली क्या आ रहा है? एस बी अपॉन एस सी इक्वल्स टू 5/4. कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड. अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं पूछ ही रहा हूं ए सी को कब हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा. मतलब ए जब यहाँ पे 100 मीटर कवर कर चुका है, 100 मीटर कवर कर चुका है, तो मुझे बताओ जनाब सी कहाँ पे होगा? सी कहाँ पे होगा इज द क्वेश्चन. बी तो आपको पता है कितना दूर होगा. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं बेसिक से भी बताता हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना ज्यादा कुछ तामझाम किए कैसे करना है इसको क्वेश्चन को. पहले तो एक तरीका ऐसे होता है कि स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी, ठीक है, क्या है? 10:9. स्पीड ऑफ बी
is to speed of c. कितना है? 5:4. मैंने रेशियो मर्ज करना आपको सिखाया है, ठीक है? That is nothing but 9 5 14 5. इधर क्या होगा? 36. इधर क्या होगा? 50. इधर क्या होगा? 50. कोई डाउट? समझ गया? मल्टीप्लाई बाय पाई होगा, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई बाय पाई किया था. कोई डाउट? समझ गया? कंफर्म? हाँ या ना? ठीक है. तो जब ये 50 कवर कर रहा है, कौन? तो अभी यहां से देख लेते हैं. दैट्स करेक्ट. एस ए इज टू एस बी इज टू एस सी. जब ये 50 कवर कर रहा है, ये 45 कर रहा है और ये 36 कर रहा है. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? जब ये 100 कर रहा है तो ये कितना करेगा? 72. तो कितने मीटर से हराएगा? 28. क्वेश्चन रेशियोस का है, समझ गए? कितने से हराएगा? 28. कोई डाउट? समझ गया? कंफर्म? आया ना? आकांक्षा, डाउट है? ये वाला रेशियो मर्ज करना, ये रेशियो समझ गया? 72 कैसे आया? ये 50 का 100 हुआ, बराबर है? मल्टीप्लाई बाय 2. हाँ या ना? ठीक है, जस्ट अ सेकंड. ठीक है, क्लियर है? आंसर क्या आएगा? कितने मीटर से हराएगा? दैट इज नथिंग बट 20. तरीका नंबर एक. तरीका नंबर दो, इमेजिन करो ये 10:9 है ऑलरेडी, आया ना? ठीक है, और दूसरे का मिल गया है 5:4. तो जब इसने 100 कवर किया है तो इसने कितना किया है? 90. और इसने 90 किया है तो रेशियो 5:4 है, तो इसने कितना किया होगा? 72. 5:4 का रेशियो मेंटेन करना है, मर्ज करने की क्या जरूरत है? इतना तामझाम करना क्या है? ठीक है, तो ऑब्वियसली कितने से आया होगा? 28. कोई डाउट? समझ गया? कन्फर्म? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला बेसिक से पढ़ता है, बाद में लॉजिक से. बेसिक से रेशियो मर्ज करना है, ये सब करना है. लॉजिक से ये था कि ये जब 100 कर रहा है तो ये 90 कर रहा है. आपको यहाँ से सीधा सीधा क्या मिलता है? 10:9. यहाँ से क्या मिलता है? 5:4. तो आपको क्या पूछना है कि जब ए बीट सी, तो हम बताएं ये 100 पे पहुंच चुका है, कौन? ए. तब ये कितने पे पहुंचा होगा? 90 पे. इन 5:4 रेशियो मेंटेन करना है, तो ये कितने पे होगा? 72 पे. चलिए, नाउ मैंने चेंज किया है रेस का लेंथ, प्लीज सॉल्व कीजिए. As I'm again saying कि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, इसे तो मैं रेशियोज का क्वेश्चन मानता हूं. ठीक है, दिस इज प्योरली रेशियोज का क्वेश्चन. लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे. इन एन 1800 मीटर रेस, ए कैन बीट बी बाय 180 मीटर. सो यहां से बताओ, एस ऑफ ए अपॉन एस ऑफ बी कितना मिल रहा है मुझे? 10:9. सीधा सीधा मिल जाएगा, क्योंकि ये 1800 कवर कर रहा है तो ये 1620 कवर करेगा, तो ऑब्वियसली 10:9. सिमिलरली और क्या दिया है? एस ऑफ बी इज टू एस ऑफ सी क्या आ रहा है? 20:19. ये भी आ गया. चलो मर्ज करते हैं. एस ऑफ ए इज टू एस ऑफ बी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 10:9. एस ऑफ बी इज टू एस ऑफ सी, दैट इज नथिंग बट 20:19. मर्ज करते हैं. 920 का कितना आ जाएगा? 180. इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 9 से. कितना आ जाएगा 99 का? 171. इसको कितने से करूंगा? 20 से. 200. तो 200:180:171. कोई डाउट? ये रेशो आ गया, ये सब का आ गया. अब मेरी रेस कितने की है? 800. मेरी रेस है 800 मीटर्स की. तो मैं 200 इनटू क्या करूंगा? और जीत कौन रहा है? ए. मतलब ए पूरा 800 कवर कर रहा है. याद रखिए, जरूरी नहीं कि मैं ऐसे क्वेश्चन में ए को ही जीता हूं. ए फास्टर है, लेकिन इसमें भी हेड स्टार्ट, ये वो वगैरह, जो चाहे वैसा क्वेश्चन हम लोग एग्जामिनर कैसा भी बना सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. बस आपको मेन चीज याद आनी चाहिए. ठीक है, तो 200 इंटू 4 करूंगा तो 800 मिल जाएगा मुझे. तो ये इंटू ये कितना करूंगा? 4 इंटू 4 कितना हो गया? ये 684. तो जब ये 800 कवर कर रहा है तो ये 684 कवर कर रहा है, तो कितने से हराया? 116. क्लियर है? कोई डाउट? आंसर क्या आएगा? 116 मीटर.
समझ गया कंफर्म, ठीक है। हाँ, इंटू फोर क्यू किया बराबर है। सो 200 मीटर की रेस में ये कितना कवर कर रहा है 171 और ये कितना कर रहा है 200, बट मेरी रेस कितने की है 800 की रेस है, मेरे 800 की रेस में पूछा है, तो इंटू फोर करूंगा तो 800 मीटर का रेस मिलेगा मुझे, ठीक है। लेट्स सी मूविंग अहेड। अच्छा, और फास्ट कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ बोलो, डाउट है। लेट्स सी मैं ऐसे कैसे करता था इसको, लेट्स सी ये रेशो मिल गया मुझे कितना 10:9, तो 8 को कवर ही करवा रहा हूं मैं 800, तो ये कितने पे होगा 720। दूसरे का कितना है 20:19, मतलब 720 कितने टुकड़े हैं 20 बराबर है, तो एक टुकड़ा कितने का होगा 36, क्योंकि एक टुकड़ा माइनस करना है 19 टुकड़े देने हैं उसको, तो ये और 36 मीटर पीछे भेज दिया इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 80 ये 36, आंसर 116। कोई डाउट, ये ऐसे स्पीड होती है, क्लियर है, नहीं समझा फिर से बताओ। 800 720 तक पहुंच गए, मतलब यहाँ पे है ए, यहाँ पर है बी, क्योंकि रेशियो हुआ। अब बी और सी की बात करते हैं, बी और सी का रेशियो क्या मिला था हमें अथर्वा 20:90, मतलब ये 20 टुकड़े हैं बराबर है, तो एक टुकड़ा कितने का 36 का, तो सी को एक टुकड़ा पीछे भेजना है, कितना पीछे भेजोगे और 36, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 80+36 दैट इज नथिंग बट 1 month, ठीक है, क्लियर पक्का। मूविंग अहेड, अब तक हम लोगों ने कौन किसने किसको कैसे हराया वो सब क्वेश्चन किया, अब हम लोग क्या करेंगे कि रेस कितनी लंबी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज द क्वेश्चन। क्लियर है, तो बाकी लोग भी सॉल्व कीजिए। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:4, इफ ए बीट्स बी बाय 200 मीटर्स इन द रेस देन द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज आई एम, ठीक है आंसर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो दे दिया डायरेक्ट, कितना 5:2, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कही है उन्होंने कि अब मुझे बताओ 5 मीटर की रेस इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 5:4, अब ये तो पता है कौन जीतने वाला है बी, अगर हमने रेस में जुगाड़ नहीं किया तो कौन जीतेगा बी जीतेगा, कितने से जीतेगा 1 मीटर, 1 मीटर से जीतेगा, कितने मीटर के रेस में 5 मीटर की रेस बराबर है, लेकिन अभी हमारा बंदा कितने से जीत रहा है 200 मीटर की रेस से जीत रहा है, 200 मीटर से जीत रहा है बराबर है, तो ये 1 का क्या हुआ 200, मतलब इंटू हुआ 200, तो ये 5 इंटू क्या होगा, ठीक है 200, और ये कितना होगा 800 बराबर, रेशियो है 5:4, ठीक है क्लियर है। तो रेस कितने की रहेगी 1000 मीटर की, रेस रहेगी 1000 मीटर की, इज दैट क्लियर दर्शन, इज दैट क्लियर, यस सर यस सर, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हेड स्टार्ट वगैरह सब कुछ आ गया, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। लेट्स सी देख लेते हैं, बेसिक से सॉल्व करेंगे एकदम। रेशियो ऑफ स्पीड कितना दिया है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू 5:2, कोई टाइम का हेड स्टार्ट मिला है क्या, नहीं, तो डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी ऑल्सो 5:4, क्लियर है कोई डाउट। अब समझने की बात है, लेट्स सी जीत कौन रहा है ए, जीत कौन रहा है लेट्स सी, ये है एक्स मीटर का ट्रैक, यह है एक्स मीटर का ट्रैक, तो डी ए अपॉन डी बी, ठीक है, तो आप इक्वल्स टू नथिंग बट ऐसे अपॉन एस, अब जीता कौन है ए, तो ए ने कितना कवर किया है एक्स, अब मैं बेसिक से बता रहा हूं डायग्राम से, इतना एक्स कवर किया,
अब ए बीट्स बी बाय 300 मीटर्स, तो ए यहां पे पहुंच चुका है, उसने पीछे मुड़ के देखा बी की तरफ, बी कहां दिखा उसको 300 मीटर पीछे, ठीक है, तो बी यहां पे था, बी यहां पे था, बराबर। ऑल्सो इवन आफ्टर गिविंग बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स, इवन आफ्टर गिविंग बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 100 मीटर्स, तो बी को हेड स्टार्ट कितना मिला है 100 मीटर, मतलब बी ने शुरुआत यहां से की, बी ने शुरुआत यहां से की थी, ये था रेस का स्टार्टिंग पॉइंट, और बी ने शुरुआत यहां से की थी क्योंकि उसको बोला था आगे से भाग, दैट इज नथिंग बट 100 मीटर्स। कोई डाउट समझ गए यहां तक, प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ टोटल बी ने कितना डिस्टेंस कम कवर किया है, एक्स माइनस 400, एक्स माइनस 400 कैसे, आगे का 300 पीछे का 100 उसने कवर ही नहीं किया, तो दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस 400, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस 400, ये क्लियर है, दैट इज नथिंग बट सर कितना 5/4, तो यहां से क्या आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो 4x equals to 5x minus 2000, तो x equals to 2000, तो length of the track is nothing but 2000, कोई डाउट समझ गया कंफर्म, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए, अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए प्लीज ध्यान से, अगेन एज आई से डायग्राम याद से ड्रॉ कीजिएगा, चलिए लेट्स सी, एज आई ऑलवेज से कि डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेट्स सी, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A and B is 5:4, so SA upon SB equals to 5/4 equals to distance A upon distance B equals to 5/4. क्यों होता है distance A upon distance B? Because the time is constant in a race unless and until specified. ठीक है, let's see. So, okay, यहाँ पे हो गया. What is the length of the track if B beats A by 250 meters after getting a head start of 400 meters. अब ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है x meters का ट्रैक, ये है x meters का ट्रैक, ठीक है, b बीट से, अच्छा b कहां से भाग रहा है 400, b कहां से भाग रहा है 400 मीटर आगे से, मतलब b यहां से भाग रहा है, ये है 400 मीटर, बराबर है, ये है 400 मीटर, तो b ने b कितना कवर कर रहा है x माइनस 400, अच्छा रेस कौन जीत रहा है b, तो क्या b ने पूरा x माइनस 400 कवर किया, जी हाँ कवर किया उसने x माइनस 400, क्योंकि जीता कौन b, यहाँ पे दिया है b beats b a by 250 meters, सिमिलरली a कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, a तो शुरुआत यहाँ से कर रहा था बिकॉज उसको कोई हेड स्टार्ट, बट a कितने मीटर से आ रहा 250, तो a 250 meters पीछे था, यहाँ पे कहीं था, तो दिस इज व्हाट x माइनस 250, x माइनस 250, दिस इज नथिंग बट 250 मीटर्स, कोई डाउट समझ गए कंफर्म, सो dA अपॉन dB, a कितना कवर कर रहा है x माइनस 400, b कितना कवर कर रहा है सॉरी x माइनस 250 कवर कर रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी जस्ट अ सेकंड, x माइनस 250, b कितना कवर कर रहा है x माइनस 400. इसका रेशियो कितना है 5/4, दैट इज नथिंग बट अगर आप यहां से सॉल्व करोगे x का वैल्यू आपको मिलेगा नथिंग बट 750 मीटर्स, x का वैल्यू आपको मिलेगा 750 मीटर्स, कोई डाउट समझ गया कंफर्म, हाँ या ना, ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स, मतलब मैं कहूंगा 99% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स of time speed distance are over. Yes, बिल्कुल, let's see, चलो एक ही सेकेंड, let's see, ये कितना आ जाएगा 4 into x minus 250,
equals to 5x, 5 into x minus 400. This is nothing but 4x minus 1000 equals to 5x minus 2000. That is nothing but x equals to 1000. Okay? X equals 1000 are right? I am sorry. Okay? मैंने गलत कैलकुलेट किया. हाँ, x equals to 1000 is the answer. 1000 meters का रेस है. I'm sorry. ठीक है? 1000 meters का रेस है. तो 750 कैसे आया था सब लोगों का? ठीक है, ऐसा मत करो. ऐसा क्या है? 1000 meter का रेस है. मैं भी सब पे भरोसा करने लगा कि यस यही होगा, यही होगा. ठीक है? आंसर क्या है? x equals to 1000 meter. किसी का भी आंसर सही नहीं था. इसलिए मैं कहता हूँ डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है टाइम टू डिस्टेंस का. ठीक है, चलिए. तो एज आई वाज सेइंग 99% ऑफ द टीएसडी इज ओवर. अब इसमें सिर्फ एक दो कंसेप्ट बचे हैं. एक तो लीप्स एंड जंप्स, लीप्स एंड जंप्स. ठीक है, अगेन दिस इज नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट टाइम टू डिस्टेंस, दिस इज मोर ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन. और एक कंसेप्ट बचता है कि एक दूसरे को मिलने के बाद कितना टाइम लगता है. एक दूसरे को मान लो मिलने के बाद इसको 3 घंटे लगे, इसको 4 घंटे लगे पहुंचने पे डेस्टिनेशन को. तो भाई फॉर्मूला आता है, वो डिराइव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा. इसको अपन इसकी गुड को इनटू द वी1 अपॉन टी2 अपॉन टी1 को हम लोग डिराइव करेंगे क्लास में. एंड ये बचता है एक लीप्स एंड फ्रॉग्स, लीप्स एंड जंप्स वाला टास्क कंसेप्ट. ये खत्म होने के बाद वी विल बी सॉल्विंग द शीट ऑफ द क्लास. थियरी खत्म हो जाएगी. थियरी को और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 15 मिनट लगेंगे. एंड देन द नेक्स्ट वुड बी शीट्स. हम लोग शीट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे. सो दैट वुड बी द एंड ऑफ टाइम्स फॉर दिस. ठीक है, चलिए. सो अभी बाकी लोग वेट कीजिए कैट वाले फॉर लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है.